नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज वर्कआउट है शोल्डर का, तो शोल्डर का बिगिनर्स के लिए जो वर्कआउट बेस्ट हो सकता है वो इस वीडियो में दिखाएंगे। साथ ही और जो जिनके मेंबर वर्कआउट कर रहे हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो आप एंड तक देखिएगा, तभी आपको शोल्डर का वर्कआउट जो है पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले चलिए करते हैं थोड़ा सा वार्म अप। दोस्तों, सबसे पहली एक्सरसाइज है स्टैंडिंग बारबेल प्रेस बिहाइंड द नेक। पहला सेट लिया है खाली रोड से, अब इसमें थोड़ा थोड़ा वजन डालेंगे, 5-5 किलो डाल लेते हैं पहले सेट में, फिर धीरे धीरे करके हर सेट में जो है वजन थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। इस पर कितने किए थे लास्ट टाइम? 15। ये तो 100 है ना, 100 पे 15 थे, 15। और इस पे 60, 80, 105, 100 भी था, 100 पे 15 थे शायद, 100 पे 10 10 10 ही रख दें, 8 रख लेना, 2 और है ना इसके बाद अभी, या एक और है? दस ही करना, चल एक और, चल 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 हो गई। आराम से ना, हाथ तो 80 कर ले, 80 पे फेलियर करना जितने भी हो। अपन दूसरा सेट कर लेते हैं दोस्तों। अभी थोड़ा और वेट बढ़ाएंगे इसमें तीसरे सेट के लिए, तीसरा नहीं सॉरी दूसरा, पहला तो हमने खाली रोड से लिया था। चलिए तीसरा सेट ले लेते हैं दोस्तों। कोई भी एक्सरसाइज आप करो उसमें वेट को हमेशा कंट्रोल रखो, ताकि जब आप वेट को रिलीज कर रहे हो निगेटिव रैप में, जब आपका वेट नीचे आ रहा है, बेंच प्रेस हो, बारबेल प्रेस हो, और बाइसेप्स की हो, ट्राइसेप्स की हो, शोल्डर की हो, जब भी आप वेट को रिलीज कर रहे हैं ना निगेटिव रैप में, हमेशा आपके कंट्रोल में होना चाहिए धीरे धीरे एकदम। जितना स्लो नीचे लाओगे उतना आपकी मसल पर ज़्यादा इफेक्ट आएगा। अब जो है और वेट बढ़ा लेते हैं थोड़ा लास्ट सेट के लिए। और बैक प्रेस तो बहुत ही थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है, मैंने सुना है कि कुछ जिमों में तो इसको करने भी नहीं देते हैं ट्रेनर, ये बोल के कि इंजरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई भी वर्कआउट छोड़ना नहीं है ये समझ के कि इसको हम नहीं कर सकते या ये हमारे लिए नहीं बना है या हम इससे इंजर्ड हो जाएंगे। हल्के वेट से कर लो लेकिन करो ज़रूर। चलिए दोस्तों लास्ट सेट लेते हैं बैक प्रेस का।
बिल्कुल कंट्रोल्ड वेट, एकदम धीरे धीरे, स्लो स्लो नीचे। बॉडी बिल्डिंग में सिर्फ यही है दोस्तों, क्योंकि हम वेट लिफ्टर तो है नहीं कि हमें सिर्फ एक ही रैप मारना है और ज़्यादा से ज़्यादा वजन उठाना है। बॉडी बिल्डिंग में वेट से हमारा इतना कोई वो नहीं है कि हमने कितना वेट उठाया, बस ये कि हमने जो वेट उठाया है उससे हमारी मसल्स पे हमने कितना इफेक्ट उससे लिया है, कितना प्रेशर आया है, हमने कितना फील किया है उस वेट को अपनी मसल पे। ये है बॉडी बिल्डिंग असली। जिस दिन आप ये चीज़ सीख जाओगे ना, तभी आपका मसल जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। बिगनर्स को इन चीज़ों का पता नहीं होता है, बस ये चीज़ समझने में उसको साल दो साल लग जाते हैं, चार साल भी लग जाते हैं। तो ये चीज़ आप जितनी जल्दी सीख जाओगे उतना बढ़िया है। चलो जी रानी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, शाबाश भैया। एक दिन आपकी वीडियो भी बनाएंगे हैं। हाँ एक दिन ना बॉडी बनाने, क्या है हर आदमी को बॉडी बनाने थोड़ी आ रहा है जिम में। कुछ लोग फिट रहने भी तो आवे। हाँ चलो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, चलेगा शाबाश बारह, शाबाश। दोस्तों अपन शोल्डर की सेकंड एक्सरसाइज पे आ गए हैं, जो कि है बेंट ओवर डंबल्स साइड रेस। इसमें आप डंबल्स ऐसे भी पकड़ सकते हैं, हथेली एक दूसरे के सामने रहे, या फिर ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आज जो है कुछ हथेली आमने सामने करके ही इसको परफॉर्म कर रहा हूँ। इतना हो सके आपको हाथों को सीधा रखना है और अपने रियर डेल्ट्स पे, जो डेल्टोइड का बैक वाला हिस्सा है, उस पे इसको फील करना है। जब आप अपना निगेटिव रैप स्लो करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रेशर है ना, वो उसी मसल पे आएगा जिस मसल का आप वर्कआउट कर रहे हैं। आप इस चीज़ को कभी भी आजमा के देख लेना। जब आप निगेटिव रैप फास्ट करोगे ना, तब आपकी मसल पे कभी प्रेशर नहीं आएगा। निगेटिव रैप आप स्लो कर दो, आपकी मसल पे प्रेशर आना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। बेंट ओवर साइड लेटरल के सेकेंड सेट पे आ गए हैं। पंद्रह रैप बेंट ओवर साइड रेस के थर्ड सेट पे आ गए हैं, और डंबल है 12.5 किलो का एक। अपन करेंगे तीन सेट, तीन हो गए हैं बैक प्रेस के,
बैक प्रेस भी हमारी जो है 80% प्रेशर आता है रियर डेल्ट्स पे, 20% हमारा प्रेशर आता है फ्रंट और मिडिल डेल्ट्स पे। इसलिए हमने बैक प्रेस के बाद जस्ट हमने करी थी बेंट ओवर साइड रेस, इसमें भी 20% जो प्रेशर आता है वो हमारे आता है रियर डेल्ट्स पे, और सॉरी 80% और 20% आता है फ्रंट पे, फ्रंट पे बल्कि 20 भी नहीं आता, उससे कम ही आता है इसमें। तो दो हमारी हो गई है रियर डेल्ट्स की। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे फ्रंट डेल्ट्स की, जो कि है फ्रंट प्रेस, या उसको मिलिट्री प्रेस भी बोलते हैं। फ्रंट प्रेस हम करेंगे बैठकर परफॉर्म। फ्रंट प्रेस में हाथों की चौड़ाई हमारे कंधे से थोड़ी सी ज्यादा होती है, हमने लगाए 12 रैप, थोड़ा सा वेट बढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं, 2.5 किलो। दोस्तों फ्रंट प्रेस के हम आ गए हैं तीसरे सेट पे, और दूसरा सेट भी हमने सेम इसी वेट पे लिया था, उसके सेल्फ लगाए थे 8, उसके 10 लगे हैं सपोर्ट से। फ्रंट सॉरी सीटेड प्रेस जब हम करते हैं तो स्टैंडिंग के मुकाबले उसमें कम वेट लगता है, क्योंकि तो उसमें ना हम जर्क नहीं कर सकते। स्टैंडिंग में जब हम करते हैं तो उसमें हम जर्क कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं थोड़ा सा, इसमें चीटिंग करने का जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा वेट कम लगता है सीटेड में। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट, एक एक्सरसाइज और दिखाऊंगा बिगनर्स के लिए, उसका मैं एक ही सेट करूंगा क्योंकि वो मेरे इस बार के रूटीन में है नहीं, लेकिन वो आपको ऐड ज़रूर करने हैं अपनी शोल्डर के वर्कआउट में, तो वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक, आप उसको ज़रूर ऐड करें। फ्रंट डेल्ट्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, दोनों डंबल्स को आगे की तरफ पकड़ेंगे, आप चाहें तो इसको बारबेल से भी कर सकते हैं, अपना बिल्कुल यहाँ पे टिकाना नहीं है आपको, डंबल्स पैरों पे थोड़ा सा दूर रखने हैं और फिर यहीं से इनको अप करना है शोल्डर के यहाँ तक। तो इतने भी मेरे बिगिनर्स भाई हैं उनको ये एक्सरसाइज भी अपने रूटीन में ऐड करनी है। शोल्डर के नेक्स्ट वर्कआउट पे आ गए हैं, जो कि है डंबल साइड लेटरल। इस एक्सरसाइज में भी बहुत सारे मिथ हैं कि कहाँ से उठानी चाहिए, कहाँ तक इसको उठाना है। तो डंबल साइड लेटरल 3 तरीके हैं इसको करने के दोस्तों, बल्कि 4 आप कह सकते हो, मैं आपको बताता हूँ चारों ही तरीके। सबसे पहला जो सबसे पुराना है, डंबल्स को यहाँ से मिला के और ये वाला। दूसरा एक जो आजकल चल रहा है, डंबल्स को यहाँ रखना है और ऐसे उठाना है, ठीक है। एक चौथा है कि डंबल्स को आप अगर यहाँ से, जो मेरा फेवरेट है सबसे बढ़िया, डंबल्स को अगर यहाँ रखेंगे ना वेट थोड़ा हल्का उठेगा, लेकिन अमेजिंग आपको फील होगा अपने मिडिल डेल्ट्स पे। और एक है सबसे लास्ट, डंबल्स को आप यहां से पकड़ना बिल्कुल सामने और तब आप इसको तो आप जोन सा चाहो तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, चारों ही ठीक है, गलत कोई भी नहीं है, ठीक है ना। तो भ्रम में ना जाए कहाँ से उठाना है, उसका सही है, उसका तरीका सही है, उसका गलत है, ठीक।
ठीक है, आप चारों में से कोई सा भी अपना सकते हो। तो दोस्तों तीसरे सेट पे आ गए हैं साइड लेटरल के। डंबल साइड लेटरल के करेंगे तीन ही सेट। दोस्तों ये जो है अपना डेल्ट्स का वर्कआउट हो गया पूरा। तो दोस्तों शोल्डर के अपने ट्रेपीजियस के पहले वर्कआउट पे आ गए हैं बारबेल शर्क्स। बिल्कुल हाथों को सीधा आपको ऊपर उठाना है, सीधा नीचे लेके जाना है। इसके भी अपन करेंगे तीन या चार सेट। वही धीरे धीरे अपना वेट बढ़ाएंगे इसमें। थोड़ा रेस्ट कर लें, पानी पी लें। बारबेल शर्क्स सेकंड सेट। ओके, एक सेट और लेंगे दोस्तों, थोड़ा वेट और बढ़ाएंगे। बारबेल शर्क्स का लास्ट सेट है दोस्तों। एक वर्कआउट और रह गया दोस्तों। शोल्डर के लास्ट वर्कआउट पे आ गए हैं जो कि ये इजेड बार अपराइट हो। आपको इसको अपनी चिन तक ऊपर उठाना है और फिर धीरे से नीचे लेके जाना है। जब आप नीचे लेके जाएंगे तो आपका ट्रेपीजियस पे पूरा प्रेशर आना चाहिए। इसके भी अपन करेंगे तीन या चार सेट। ठीक है दोस्तों, ये आज पूरा शोल्डर का वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। आप अपने जब भी शोल्डर का वर्कआउट करें तो ये एक्सरसाइज ऐड करें। आपको आप जिस ऑर्डर में मैंने दिखाया है उस ऑर्डर में भी कर सकते हैं, आपको इस रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं। मतलब पहले श्रग्स, फिर अपराइट रो, और फिर जैसे भी जैसे मैंने किया है उसका रिवर्स। और आप चाहें तो किसी भी एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है कि आपको पहले यही करनी है, फिर ये करनी है, फिर ये करनी है। बस वर्कआउट आपका मसल का पूरा होना चाहिए। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। नमस्कार।